हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब में। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में पुलिस की भर्ती आ चुकी है 2022 सेशन के लिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आपको जो इस रिक्रूटमेंट यानी कि 2022 में वेस्ट बंगाल की पुलिस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसमें आपका जो फॉर्म है कब से कब तक भरे जाएंगे, साथ में सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए आप 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड अरक्षा की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आपको यहाँ पर दे सकते हैं कांस्टेबल, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर दे सकते हैं 1666 यानी कि 1666 वैकेंसी निकाली गई हैं। जॉब लोकेशन आपको वेस्ट बंगाल रहने वाले हैं, अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो भी आपको जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल ही रहेगी। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे और आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, PET, PST और इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। और सैलरी के बारे में हम अभी बात करेंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे। सबसे पहले आपको शॉर्ट में डिटेल्स प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ बचते हैं आपके जो फॉर्म है, आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं 29/5/2022 से, यानी कि 29 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है 27/6/2022 आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जाएंगी। लगभग आपको एक महीने का टाइम दिया गया है। और इसके बाद आपको फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो लिंक एक्टिव हो जाएगा 1 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक, यानी कि 7 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखते हैं 170 रुपये फीस रखी गई है। ST/SC जो कैंडिडेट हैं जो कि वेस्ट बंगाल के होने चाहिए, उनके लिए 20 रुपये रखी गई हैं, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे। और अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो उसको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, अर्थात आपकी फीस 170 रुपये लगने वाली हैं। और जो बाहरी स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी एज कम्प्लीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 तक, 18 से 27 ईयर्स के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और एज रिलेशन में आपको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी, जो कि ST/SC अदर कैटेगरी को भी मिलेगी। नोटिफिकेशन में इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी। अब यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी टोटल पोस्ट कितनी है। कांस्टेबल जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1410 पोस्ट देखने को मिलेगी। लेडी कांस्टेबल यानी कि फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 256 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल 1666 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर रहते हैं मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन से, आपने वेस्ट बंगाल बोर्ड से आपने 10वीं पास की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल कैंडिडेट वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी यहाँ पर रहते हैं वेस्ट बंगाल के बोर्ड से अपने पास किया होना चाहिए 10वीं, ठीक है, तभी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर बाहरी जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रहते हैं वेस्ट बंगाल की राइट और स्पीक यानी बोलना और लिखना आना चाहिए और लैंग्वेज, ठीक है। ये तो हो गया आपकी क्वालिफिकेशन, 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेसर होने वाला है, जिसमें यहाँ पर रहते हैं 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। परमानेंट रिटर्न एग्जाम टेस्ट होने वाला है 100 मार्क का, और इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर PMT होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद फाइनल रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि आपको यहाँ पर JC नंबर का है, यानी कि आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, ठीक है, जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम होगा लास्ट में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू दिया जाएगा, इंटरव्यू के 15 मार्क आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल में आपका यहाँ पर क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी हाइट है, वेट है, चेस्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो हाइट है ऑल कैटेगरी के लिए 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 57 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो चेस्ट है आपको यहाँ पर 78 होना चाहिए और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो कैंडिडेट हैं गोरख है और यहाँ पर हैं गोरलीज और साथ में राजवंशी से और एसटीसी बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर सीना ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई और 53 किलोमीटर केजी आपका वजन होना चाहिए, चेस्ट चिंतर होना चाहिए, फुलाने पर 86 होना चाहिए, ठीक है। लेडी कॉन्स्टेबल के बारे में बात की जाए तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो हाइट है, हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 49 किलोमीटर और आपके यहाँ पर जो पता है लेडी के लिए को भी सीना नहीं होता है, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पर इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है और ऊंचाई और आपको यहाँ पर जो वजन है 45 किलो होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। 100 आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इस टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर से 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पेपर का जो रिटन टेस्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे, जो कि 3 सब्जेक्ट आएंगे आपको यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 40 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के यानी कि माध्यमिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे 10वीं लेवल के, जो कि 30 मार्क के होने वाले। रीजनिंग 30 मार्क की आपको यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं इतनी मार्क की आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं पीटी फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्टेबल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पीटी 1600 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है। 1600 मीटर रन की मीटर की दौड़ होगी और यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा 6:30 मिनट का, 6:30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। लेडी कॉन्स्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो फाइनल रिटर्न एग्जाम होगा होने वाला है वो आपको 85 नंबर का होने वाला है। इसमें भी आपको यहाँ पर देखते हैं जो फाइनल रिटर्न एग्जाम होगा इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, 85 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको टाइम दिया गया है 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं लैंग्वेज में आपकी जो क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज है आपको सेट इन 2 लैंग्वेज में यानी कि बंगाली और नेपाली दोनों लैंग्वेज में आपका होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर फाइनल रिटन एग्जामिनेशन फॉलोइंग सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग लॉजिकल एनालिसिस के 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू होगा 15 मार्क का इंटरव्यू आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग विथ मेरिट इंटरव्यू जनरल अवेयरनेस सुटेबल द कैंडिडेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर से संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज की। तो फ्रेंड्स संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में देने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको जो भी जानकारी दी है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली थी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं रोल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो फीस रखी गई है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड इसके अलावा कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर पहले बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।